वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या हमने क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हमने क्यूब रूट या स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर गिवन है उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के प्राइम फैक्टर सबसे पहले यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। क्या नंबर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 10648। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, अगर तो आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो हमने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग ये होता है हमारे पास कि हम यहाँ पर लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ पर 2 ही लेना है। 2 से नहीं होता तो फिर हमने क्या करना है, 3 की तरफ जाना है। 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, फिर 3 से भी नहीं हो रहा तो 5 पे जाना है कि 5 के साथ सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। आपने ये नहीं करना कि आप 4 या 6 से, मतलब कोई भी बड़ा नंबर इस तरह से लेकर डायरेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, 4 या 6 तो वैसे भी आना नहीं है क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट प्राइम नंबर्स ही आते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो के सिर्फ अपने जो है टेबल में आते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, सिर्फ ऐसे नंबर या कह लो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर वो खुद और एक नंबर 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं तो यस ले सकते हैं। मुझे डायरेक्टली कैसे पता, अकॉर्डिंग टू रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है कि किसी नंबर को चेक करना है ना, वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक कर लो। उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से है ना तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, इनमें से है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम। वरना डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज अगर नहीं इस तरह समझ आती तो इनको डिवाइड कर दो, दोनों का आंसर ये आ जाना। अगेन हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं ना क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका नंबर का लास्ट डेट 4 है, इनमें से है, हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब डायरेक्ट पता है 2 के टेबल में 5, 3, 2, 4 कितने टाइम आता है तो यहाँ पर लिख लो, नहीं पता तो डिवाइड करके लिख लो। मैं तो डायरेक्ट करूँगी, अगर डायरेक्ट अगर समझ आ रहा है तो वही देख लो, अदरवाइज आप फिर डिवाइड ही कर लो। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है, 2 के टेबल में कट करके 4 बना लेते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, ये 5 था हमने कट करके 4 बनाया, इसका वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 13। 2 के टेबल में 13 नहीं आता है, 13 से छोटा 12 आता है, कट करके 12 बना लेंगे। 2 के टेबल में 12 आ गया 6 टाइम, ये 13 था हमने तो कट करके 12 बनाया, इसका वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 12। 2 के टेबल में 12 आ गया 6 टाइम, 12 कंप्लीट सॉल्व हो गया। 2 के टेबल में 4 आ गया 2 टाइम, इस तरह से हमने ये कट वाला काम कर लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाना है, इस नंबर का लास्ट डेट 2 है, इनमें से है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाना है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 कितने टाइम 2 होता है, 1 टाइम। 2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम। 2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम। और 2 कितने टाइम 2 होता है, 1 टाइम। अगर डायरेक्टली पता है या अगर 2 से तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये है कि इस नंबर का लास्ट डेट 1 है, इनमें से नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से हो जाएगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जैसे 2 होता है ना, इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 होता है कि अगर हमने चेक करना है ना डायरेक्टली कि अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम ये करते हैं कि इस नंबर के सारे डिजिट्स को इस तरह से प्लस करके लिख लेते हैं, 1+3+3+1। अगर हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है हमारे पास 8। अगर प्लस करने पर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता जो 3 के टेबल में आता होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाना था, लेकिन हमने प्लस किया तो 8 आया। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पर नहीं ले सकते, अब क्या करेंगे, 5 ले सकते हैं तो 5 भी नहीं ले सकते। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये होता है, जिस नंबर को चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर का लास्ट डेट चेक कर लो। उस नंबर का लास्ट डेट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर का लास्ट डेट तो 1 है ना, 0 है ना, 5 है, नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ये होता है हमारे पास कि जिस नंबर को चेक करना हो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, उस नंबर का लास्ट डेट क्या करते हैं, उस नंबर का लास्ट डेट में उसी को ऐड कर देते हैं। 1 में 1 को ऐड करो 2 आ जाता है, 2 में से रिमेनिंग क्या है उसको माइनस कर देते हैं। 133 रिमेनिंग है उसमें से, 133 में से 2 को माइनस करेंगे 131 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाए या ऐसा नंबर जो 7 के टेबल में आता हो, मतलब डिविजिबल बाय 7 हो, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाना है। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 7 1 टाइम 7 सॉल्व कर लेते हैं, 6 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 7 के टेबल में 61 तो नहीं आता ना, 63 आता है, इसका मतलब ये नंबर 7 से सॉल्व नहीं होगा, डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो ये नंबर पूरा 7 से सॉल्व नहीं हो सकता। फिर 7 के बाद 11 प्राइम नंबर होता है तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम 7 तो नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं कि नहीं,
तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये होता है कि जिस नंबर को चेक करना है ना कि वो 11 से सॉल्व होता है कि नहीं होता, तो डायरेक्टली वो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि उस नंबर का फर्स्ट डिजिट ले लो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड ले लो, इस तरह से लिख लो, ठीक है। फर्स्ट डिजिट ले लिया, सेकंड को छोड़ के थर्ड ले लिया, यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, जो रह गया है सेकंड डिजिट रह गया और लास्ट डिजिट रह गया, उसको इस तरह से ब्रैकेट में कर दो। 4 आ गया, इसको सॉल्व किया, 4 आ गया, आंसर 0 आ गया, तो इस तरह प्रोसेस के बाद आंसर 0 आ जाए या ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाई 11 हो, मतलब 11 के टेबल में आता हो, तो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 11 से सॉल्व हो जाना। तो ये नंबर 11 से सॉल्व हो जाएगा, हम यहाँ पर 11 ले लेते हैं, डायरेक्टली पता ही कितने टाइम 11 कितने टाइम ये होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड कर लो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। 11 के टेबल में 13 ही आता, 13 से छोटा 11 ही आता, कट करके 11 बना देते हैं। 11 कितने टाइम 11 होता है, 1 टाइम ये 13 था, हमने तो 11 को सॉल्व किया, इसका 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 23। 11 के टेबल में 23 नहीं आता, 23 से छोटा जो है 22 आता है, हम इसे कट करके 22 बना देते हैं। 11 कितने टाइम 22 होता है, 2 टाइम, ये 3 था, 23 था, हमने तो 22 को सॉल्व किया, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 11। 11 कितने टाइम 11 हो गया, 1 टाइम। तो मुझे डायरेक्टली भी पता था, मैंने आपके लिए किया कि अगर आप इस तरह से समझ आ रही है तो फिर ये भी आपको बता दूँ। अगेन ये 11 से सॉल्व हो जाना, 11 कितने टाइम 21 होता है 11 टाइम, और 11 कितने टाइम 11 होता है 1 टाइम। ये हमने जस्ट अभी क्या किया, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर लिख लेना है कि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं ना, अगर स्क्वायर रूट कर रहे हो तो ओनली ये लगा देना था, इस नंबर को अंदर लिख देना था, लेकिन अब हम क्यूब रूट कर रहे हैं फाइंड, तो अकेला ये स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर क्यूब लगा लें तो ये क्यूब रूट बन जाता है। अब हमने क्या करना है, क्यूब रूट के अंदर ही यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। 10648 के अभी हमने फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आया, 2 हमारे पास 3 टाइम आ गया और 11 आ गया 3 टाइम, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इतना सा काम हो गया, फिर हमने क्या कर लेना है, फिर हमने ग्रुपिंग कर लेनी है। ग्रुपिंग कैसे होती है, ये 3-3 नंबर्स की हमने ग्रुपिंग कर लेनी होती है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में हम 2-2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पर 3-3 की करते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे। 2 की पावर 3 हो गया, 11 3 टाइम है तो 11 की पावर 3 हो गया। जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होते हैं ना, इसी तरह क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए हम ये काम करते हैं। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, 2 भी बाहर आ गया, 11 भी बाहर आ गया, 2 और 11 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, 22 आ जाता है। तो हमने क्यूब रूट फाइंड किया 10648 का, वो हमारे पास आंसर आ गया 22। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी अब आपके पास नंबर आए, सिंपल उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, देन ये काम करो, फैक्टर्स लिखो, ग्रुपिंग करो, उसकी पावर लिखो, पावर कैंसिल हो जाएगी क्यूब रूट से, और हम मल्टीप्लाई करो नंबर्स को और आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई क्यूब रूट पे भी, स्क्वायर रूट पे भी, आप चेक कर सकते हो, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तीनों क्यूब रूट फाइंड करते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, स्क्वायर रूट जो फाइंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।